ठियोग कुमारसन विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंदर पराला एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस का सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी जब से सत्ता में आए हैं तब से लेकर पराला के अंदर किसानों और बागवानों के लिए लगभग 200 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। अनमोल रिश्तों के लिए इसमें 100 करोड़ रुपए का प्रोसेसिंग प्लांट लगभग बनकर तैयार हो रहा है, 60 करोड़ रुपए का सी स्टोर का काम जो शुरू हो चुका है और 10 करोड़ रुपए की लागत से जो एडिशनल सब्जी मंडी है उसका काम भी युद्ध स्तर पर हो रहा है। और वर्तमान में जाम की समस्या को निजात दिलाने के लिए चेला कैंची से प्राला तक जो रोड की वाइंडिंग होनी थी उसके लिए मार्केटिंग बोर्ड ने 12 करोड़ 36 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी को दे दिए हैं। मैं किसानों और बागवानों की तरफ से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस प्रोसेसिंग प्लांट सी स्टोर और मंडी के एक्सपेंशन से किसानों और बागवानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और जो किसानों और बागवानों की समस्या है वो काफी हद तक जो है सॉल्व हो जाएगी। जो भी हमारी टेस्टिंग है प्रॉपर हो रही है, मटेरियल टेस्ट हो चाहे बिल्डिंग के अदर टेस्ट हो। सेब मंडी के पर्पज से ये बनाया गया है क्योंकि सेब की प्रोडक्शन यहाँ पे ज्यादा है, तो आने वाले फ्यूचर में तो हो सकता है ये बागवान जो है उसमें बहुत अच्छी राहत मिली। फार्मर्स को पहले तो फैसिलिटी नहीं थी, अब तो उन्होंने रोड्स के लिए पैसे दे दिए, वेजिटेबल कलेक्शन के सेंटर के लिए उन्होंने अपने ऐसे फंड से पैसे दिए। विद इन 4 साल हुए उनको भी, 4 साल में उन्होंने काफी बहुत बड़ा यहाँ पर करोड़ों में इन्वेस्ट किया है, करोड़ों में, इन करोड़, नो डाउट। आज हम बहुत खुश हैं, ये मंडी बिल्कुल अपने चरम सीमा पर वर्क कर रही है। नरेश शर्मा जी ने ठियोग कुमारसन विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है और कर रहे हैं और इस स्वरूप को देखकर निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा मार्केटिंग हब जो है पराला बनने वाला है। मैं सभी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।